कानपुर देहात नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी, सभी प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। नामांकन के आखिरी दिन सभी 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया। अकबरपुर नगर पंचायत से सपा ने 4 बार प्रत्याशी बदला। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में महिला समाज कल्याण विभाग की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सभी सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं सपा के पूर्व MLC कल्लू यादव ने बदलाव की बात कही है। अकबरपुर नगर पंचायत से भाजपा ने पूर्व चेयरमैन ज्योतिषना कटियार पिछला चुनाव BSP से जीती थी और जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गई थी। इस बार अकबरपुर नगर पंचायत सीट पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर होगी। सपा ने यहां पर प्रत्याशी घोषित करा है, जनता के बीच जाएगी, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो भैया बहुत होंगे, अभी वो मुद्दे खोले नहीं जाएंगे। विकास का मुद्दा करेंगे और मेन मुद्दा विकास का होगा, भ्रष्टाचार मुक्त। आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है नगर पंचायत जी? वो तो हुआ है, हो रहा है। पूर्व चेयरमैन रहे आप, पत्नी को टिकट मिला है, पहले भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता थे, अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, 4 बार टिकट कटा, वजह क्या रही? देखिए वजह ये रही कि कहीं ना कहीं से जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को जिसको टिकट मिला है, ये पिछले बार चुनाव में ये हाथी वाले थे, इनको पूरी जनता को मालूम था कि इस बार टक्कर किससे हो रही है, तो ये टिकट यहाँ नहीं गई। ये भी एक कारण था कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित है, वो चाहता था कि ऐसा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लचर हो जाए जो हमारी राह आसान हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय कल्लू यादव विधायक जी के द्वारा जो निर्णय वहाँ रखा गया, जो बात यहाँ से बताई गई, इसलिए उन्होंने निर्णय बदला, समाजवादी पार्टी की जीत होगी अकबरपुर नगर पंचायत में। और जो यहाँ भ्रष्टाचार हुए, यहाँ IAS अधिकारी की जांच में भ्रष्टाचार साबित है, सत्ता के दबाव में काम नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, आगे वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त काम होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, यही काम। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।